अभी कई तरह के सवाल जो मैं जब आ रहा था तो आप ही पत्रकार भाई में से पूछ रहे थे, किसी ने बोला कि काम रुक गया है, किसी ने बोला, आपने बोला पहले 24 मीटर की खुदाई हुई, फिर बोला 21 मीटर हो रही है। तो इसको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि काम इसलिए रोका जाता है बीच बीच में, क्योंकि मैंने सुबह भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब काम होता है, मशीन चलते हैं ना, तो अंदर वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन होने से जो सतह की इक्विलिब्रियम खराब हो जाती है और इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि और मलबा ना नीचे आ जाए। तो हमने अब डिसाइड किया कि बीच बीच में, पहले हम निरंतर चले जा रहे थे लेकिन उससे सारा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है, तो अब हम, आप देखिएगा, कुछ समय के लिए बीच में रुकेंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो जहां तक उसकी बात है ये है। और दूसरा, जो हमने 24 बोला था, एक्चुअली 6-6 मीटर की टोटल पाइप्स हैं, तो 24 का उसका गुणा अगर करते हैं तो वो बनता है टोटल, तो हाँ, तो उसका जब आप गुणा करिएगा तो 4 पाइप्स का 24 बनेगा, तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है, और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। सर, आपकी एक रिपोर्ट, अभी 2:30 बजे की रिपोर्ट है, उसमें सीधे रूप से लिखा है कि मशीन डैमेज हो गई है, उसकी क्या कहानी है, क्या वो सही है या आप सही है? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे तरफ से जारी नहीं हुई जिसमें कह रहा है कि मशीन डैमेज हुई। मनीष जी, जो आपने पाइप जोड़ी है, मनीष जी, जो मशीन बिल्कुल ठीक है, रॉक आगे देखिए, मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा, कभी रॉक आएगा कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने आई है सर, क्या बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीजें कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। नहीं, देखिए, वो तो मैकेनिकल चीज है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है, तो वो तो होगा, तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब आपने देखा पहली थी, उसको हमने इसलिए चेंज किया कि उसकी करने की क्षमता कम थी, तो हमने दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट में थी। अब जो तीसरी आ रही वो भी सेम स्टेट ऑफ आर्ट की है, उसका ब्रांड डिफरेंट है, और इसको हमने इंदौर से एयरलिफ्ट करा। सर, आज पूरे दिन में कितना मीटर ड्रिल हुआ है? कल रात को मैंने आपको बताया था 6 मीटर करीब ड्रिल हुआ था, और 6 मीटर से आप सोच लीजिए 22 मीटर बताया जा रहा था, उसके बाद अभी तक नहीं। उसके बाद आपने 12 बजे ये बताया था कि एक करके अगर आप सवाल पूछे तो मैं आराम से आपको जवाब दे पाऊं। 22 मीटर और अभी शाम नहीं, मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया कि सुबह मैंने 24 बोला था, अब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ 22, क्योंकि 24 टोटल है, उसमें से 22 की खुदाई हो चुकी है। 2 मीटर इसलिए रखा जाता है कि जो 5वां पाइप है उसको हम जोड़ रहे हैं, अगर आप सारी अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं। सर, 5 घंटे में थोड़ा भी ड्रिल नहीं हुआ अभी तक? 5 घंटे में ड्रिल हुआ है, जैसे कि एक किसी भाई ने मेरे से पूछा कि क्या पत्थर आया था, तो इस तरह की चीजों को नेगोशिएट करने के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि आगे के पत्थर को हटा दिया जाए और फिर से हमारी स्मूथ ड्रिलिंग चालू हो। सर, आपने खुद कहा कि पहली मशीन ने पहले काम किया, उसके बाद दूसरी मशीन लाई गई, अब ये तीसरी मशीन जो इंदौर से आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ माने क्या हम लोग? नहीं, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, मैंने अगेन बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हम रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, हम बैकअप क्रिएट करते हैं ताकि काम निरंतर चला जाए। सर, ये आप बैकअप पहले से क्यों नहीं तैयार करते? आप पहले से करके चलना चाहिए था, पहले एक मंगाई थी, 2 मंगा लेते आप, क्या हो गया आप दूसरी की? आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं, आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं, ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है, सारी चीजें मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है, ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया 25 टन की मशीन है, अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे, तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया, यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी प्लान सी सारे एक साथ हम प्लान करते हैं। सी भी बता दीजिए सर, व्हेन विल द ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट नाउ सिंस यू हैव बीन नेगोशिएटिंग विद? शॉर्टली विल स्टार्ट इट, अभी हम उसको ब्रेक दे रहे थे, अभी आपको मैं यहाँ ब्रीफिंग देने के बाद में मैं जाके वही उसको मोबिलाइज। हमारे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया टनल में, इस तरीके से आप ड्रिल करने वाला, क्योंकि अभी तक इतने सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इतनी आधुनिक मशीन मंगा दी है, जितने परेशान घूम रहे हो कह रहे हैं कि 5 घंटे बोलते हैं, 10 घंटे बोलते हैं, 12 घंटे बोलते हैं, 6 दिन निकल गए सर, कुछ टाइम फ्रेम तो दीजिए, कुछ तो बताइए। देखिए, बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहां आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहां आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहां बड़े आपको
लगता होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर आ सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से क्या 60 मीटर से ज्यादा हो सकता है, वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे इस तरीके से, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेंगे फिर? देखिए, जहां तक सस्टेनेंस की बात है, अगर आप किसी को बिना खाना दिए भी रखें तो 6 दिन रह सकता है, ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर उनको खाना पानी, मानसिक संतुलन, सारी चीज ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि वो ठीक ठाक है, निरंतर उनसे बात हो रही है। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो बात वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल स्थिति भी उनकी ठीक है। हाँ जी बताइए सर, 9:30 अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है या जो डेब्री है बहुत लूज है, वाइब्रेशन से हो सकता है 60 से 62-65 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 60 से 100 हो जाएगा, हम वो उम्मीद नहीं करते हैं वैसा होना चाहिए। आपने सुबह 9:30 का सर बोला 24 फिगर, 9:30 से अभी 4:30 मतलब 5 बजे में, किस दौरान क्या क्या हुआ उसको थोड़ा ब्रीफ करिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, बार बार मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। टनल एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन है, ये कह रहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया है जो इंडिया के बचाव दल है कि हम असिस्टेंस देने को तैयार है, अगर इतना क्रिटिकल है तो आप लोग क्यों नहीं हेल्प ले रहे हैं? ये अभी जो आपने बात की ये मेरे जानकारी में नहीं है। सर, जियोफिजिस्ट की टीम और उसके अलावा जो बाकी टीम्स है, क्या उनकी क्या इसमें भूमिका है, और क्या आप बाहर से भी कोई एडिट देख रहे हैं, तलाश रहे हैं कि वहां से पैरेलल एक्सेस के तौर पर रास्ता बनाया जा सके? आपने जो ये सवाल पूछा, बिल्कुल ये इनके जवाब का, जो इनने सवाल पूछा था उसका जवाब देता है। जो प्लान सी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी आपने देखा होगा हमारी सर्वे टीम गई हुई, पूरा सर्वे करके आ रही है कहां से लीस्ट मिनिमम जगह से वहां पे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल आए, या वर्टिकल आए कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है, उसका जैसे ही डेटा आएगा तो हम उस पर भी कार्य पैरेलल करेंगे। ये सर्वे जो आप आज करा रहे हैं 6 दिन बाद, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी करा रहे हैं आप? ये सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि जो 60 मीटर है उसका हम नेगोशिएट कर लेंगे, और ये सर्वे जहां तक कि आप पहले सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए, इसके पहले भी सर्वे हुआ, तब हमने पाया कि जो मैक्सिमम जो विड्थ था उसका 103 मीटर है, और 103 मीटर अगर आप वर्टिकल ड्रिल करेंगे अभी भी वो खतरा है, लेकिन जब हम इससे कामयाब अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएंगे तो हम वो भी स्थिति को देख ले रहे हैं कि 103 अगर वर्टिकल आते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो मलबा ऊपर से गिर के जहां पे मलबा नहीं वहां पर भी फैल सके, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी करें। इसकी अभी हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, क्योंकि मैं जहां तक मुझे विश्वास है कि जो हम जिस प्रगति से चल रहे हैं, जो हम अभी तकनीक यूज कर रहे हैं, उसमें हम जरूर सफल होंगे। सर क्वेश्चन ये है सर, धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।